अभी हाल ही में गुजरात की आयशा नाम की एक महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस वीडियो में आयशा ने अपने पति पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने आरोप लगाने के बाद साबरमती नदी में छलांग लगाकर सुसाइड कर लिया था। अब एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक अन्य महिला अपने ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगा रही है। वीडियो में महिला कह रही है कि मेरा नाम नेहा नाज है, मैं संबल जिले की रहने वाली हूँ। मेरी शादी को करीब 6 साल हो चुके हैं। मैंने अपनी शादी के लगभग 1 साल बाद एक बेटी को जन्म दिया। एक बेटी को जन्म देने के बाद मेरे ससुराल वाले और मेरे शोहर शाहनवाज अख्तर मुझसे खुश नहीं है। वो बोलते हैं कि हमें बेटी नहीं चाहिए। मेरी बेटी होने के बाद मेरे ससुराल वालों ने 2 बार मेरा गर्भपात भी करवा दिया। मेरा गर्भपात कराने के बाद 15 महीने से मैं अपने पिता के घर रह रही हूँ। पिता के घर रहने के बाद मेरा शोहर शाहनवाज अख्तर मुझसे 10 लाख रुपए की मांग कर रहा है। मैंने अपने पिता को ये बात बताई तो उन्हें हार्ट अटैक आ गया और उनकी इस कारण मौत हो गई। मेरी माँ मेरी और मेरी बेटी का खर्च कैसे उठाए? मेरे मायके में आय का कोई साधन नहीं है। मैं क्या करूँ? मैं अपने जीवन समाप्त करने के बारे में सोच रही हूँ। मैं जिला प्रशासन संभल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से अनुरोध करती हूँ कि मेरी मदद करें। नेहा नाज ने अपने वीडियो में ये भी कहा कि अगर वो आत्मघाती कदम उठा लेती हैं तो इसके लिए उनके पति शाहनवाज अख्तर और उनके जेठ को जिम्मेदार ठहराया जाए। नेहा ने अपने वीडियो में सीएम योगी आदित्यनाथ, यूपी के डीजीपी, एडीजी और संभल पुलिस को टैग किया है। सोशल मीडिया पर नेहा नाज का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस भी हरकत में आ चुकी है। बताया जा रहा है कि चंदौसी कोतवाली पुलिस ने आधी रात को पीड़िता को कोतवाली बुलाकर आरोपी पति समेत ससुराल के 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करा लिया है। पीड़िता का मेडिकल भी कराया जा चुका है। मेरा नाम नेहा नाज, मैं चंदौसी जिला संभल की निवासी हूँ। मेरी शादी को लगभग 6 वर्ष हो चुके हैं। मैंने अपनी शादी के 1 साल बाद एक बेटी को जन्म दिया। एक बेटी को जन्म देने के बाद मेरे ससुराल वाले व मेरा शौहर शाहनवाज अख्तर मुझसे खुश नहीं है। बोलता है हमें बेटी नहीं चाहिए, हमें बेटी नहीं चाहिए। मेरी बेटी होने के बाद मेरे ससुराल वालों ने मेरा 2 बार गर्भपात करा दिया। मेरा गर्भपात कराने के बाद मैं 15 महीने से अपने पिता के घर रह रही हूँ। मेरे पिता के घर आने के बाद मेरा शौहर शाहनवाज अख्तर मुझसे 10 लाख की मांग कर रहा है। बोल रहा है अपने पिता से 10 लाख रुपए ला कर दे। मेरे पिता को अपनी ये बात बताई। मेरे पिता की 9 महीने पहले मृत्यु हो गई। मेरे पिता को हार्ट हो गया। मेरी माँ विधवा हो गई। मेरी माँ मेरा और मेरी बेटी का खर्चा कैसे करें? मेरी माँ की आय का कोई साधन नहीं है। मेरी माँ की आय का कोई साधन नहीं है। मैं क्या करूं? मैं अपनी आत्मजीवन सीमा समाप्त करने की सोच रही हूं। मैं जिला प्रशासन संभल व मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी से अनुरोध करती हूं कि आप मेरी मदद करें। अगर मुझे कुछ होता है तो मेरी मौत का जिम्मेदार मेरा शौहर शाहनवाज अख्तर व मेरा जेठ वसीम अख्तर, जो शहर का सबसे रसूलकार आदमी है।